मणिपुर पिछले साल से ही हिंसा की आग में सुलग रहा है। कुकी और मैते समुदाय के बीच शुरू हुई हिंसा को एक साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि राजभवन तक मार्च के दौरान छात्रों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद बुधवार को स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में रही। तो वहीं आंतरिक मणिपुर से कांग्रेस सांसद ए बिमोल अकोईजाम ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हिंसा संकट पर गहरी पीड़ा व्यक्त की है। यहां लगातार शांति बहाली के दावे धराशाही हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि राज्य की राजधानी इम्फाल में मंगलवार दोपहर लगाया गया कर्फ्यू आज सुबह भी जारी रहा, जबकि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए शहर में पुलिस कर्मियों की लगातार गश्त जारी है। उन्होंने कहा कि हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में जरूर हैं। मणिपुर में बदतर होती कानून व्यवस्था को लेकर छात्रों ने मंगलवार को राजभवन की ओर मार्च किया था। छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में कई छात्र जख्मी भी हो गए। छात्रों की मांग है कि राज्य के डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार खराब होती कानून व्यवस्था से निपटने में नाकाम रहे हैं, इस कारण उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। वो अपनी इसी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। गौर करने वाली बात है कि सरकार ने मंगलवार शाम को एक संशोधित आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक सिर्फ घाटी के 5 जिलों में ही लागू होगी। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान नारे भी लगाए, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर और कंचे भी फेंके गए। इससे पुलिस कर्मियों को उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया। बता दें कि छात्रों के एक संगठन ने दावा किया है कि झड़प में 55 से अधिक छात्र घायल हो चुके हैं और उसमें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजभवन ने मंगलवार देर रात जारी बयान में कहा कि छात्रों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने राज्यपाल से मांगों को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह भी किया। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वो छात्रों और मणिपुर के लोगों के हित में कदम उठाएंगे। पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि कांगपोकपी जिले में तलाशी अभियान अभी जारी है और हथियार एवं विस्फोटक बरामद किए गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।